ये देखो भाई आवाज़ देखो आप, क्या बात है, उठने लग गया पूरा। जिसको कह रहे थे भैया कि रेत पूरा पानी के जैसे उठेगा इसमें। देखो भाई ने अभी एक लकड़ी डाली और आग कितनी जबरदस्त जल रही है। ये आ गए भाई आलू, अब इनको भैया करेंगे साफ पूरा टोकरे पे घुमा घुमा कर। ये देखो हाँ। हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम लोग बनवा रहे हैं इंडिया का सबसे अमेजिंग स्ट्रीट फूड, जो कि इस चूल्हा बोल दूँ मैं इसको, मैं भैया सिगड़ी बोलते हैं इसको, इसमें बनने जा रहा है। और वो है भुना हुआ आलू, और इसमें कोई भी ऑयल किसी तरीके का एडिबल ऑयल या कोई भी बटर वगैरह, रेत का भुजा हुआ आलू, भैया मुझे करेक्ट कर रहे हैं, रेत का भुजा हुआ आलू। और ये आलू पड़ रहे हैं भाई, ढेर सारे आलू पड़ गए हैं इसमें। रेत होता है अच्छा, उसका भुजा हुआ आलू। तो ये काफ़ी हाई फ्लेम में बनता है, इधर आप देख सकते हो इस अंगीठी में कितनी ज़्यादा आग लगा रखी है भैया ने। और इसका मैकेनिज्म देखो, नीचे फैन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो भी ज़बरदस्त तरीके से आग जलती है इसमें। और 15 से 20 मिनट लगता है इस आलू को, लगभग 20 मिनट के लगभग बनता है भैया। तो 20 मिनट के लगभग इस आलू को बनाने में बनता है, लगता है समय। और इतने बढ़िया तरीके से बनता है, किसी तरीके का ऑयल और किसी तरीके का बटर वगैरह घी वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ किया गया इसमें। तो हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं इसके, एकदम आपको स्मोकी टेक्सचर फ्लेवर आएगा और बढ़िया तरीके से इसमें रोस्ट होता है। तो चलिए आइए बनवाते हैं और देखते हैं। और देखो यार, लकड़ी फेंकी नहीं मैंने और कितनी जबरदस्त आग पकड़ी। कोई केमिकल और कोई वो चीज़ नहीं है, मतलब एक देसी चीज़ है ये, देसी चीज़। हाँ वही। तो ये पूरे जो इसके इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी इन्हीं के भैया के हिसाब से। और ये देखो भाई आवाज़ देखो आप, क्या बात है, उठने लग गया पूरा। जिसको कह रहे थे भैया कि रेत पूरा पानी के जैसे उठेगा इसमें, इतना गर्म हो चुका है ज़बरदस्त। तो मैं खुद भी खड़ा हो पा रहा हूँ, इतनी ज़बरदस्त आँच है इसकी, बहुत अमेजिंग चीज़ है ये। अच्छा आलू ज़्यादा इधर ही होगा, बहुत मशहूर। किस तरीके से रेत उठ रही है उसमें, क्या बात है। और उसमें देखो भाई ने अभी एक लकड़ी डाली और आग कितनी जबरदस्त जल रही है। आप देख सकते हो धीरे धीरे आलू बिल्कुल अपना पूरा कलर ले चुका है, एकदम पूरा इवनली कुक होता है इसमें। सबसे अच्छी बात ये है, चारों तरफ से बिल्कुल बराबर तरीके से पकता है आलू। ये इतना गरम गरम हाथ हाथ से पकड़ लेते हो, आपको गरम नहीं लगता है? ये मेरी आदत पड़ चुकी है ये 3-4 महीने जब तक लगाते हैं, दीपावली से पहले चालू कर देते हैं, होली तक लगाते हैं, आदत पड़ जाती है मेरी, समझ में नहीं आता। ये हमारे आलू लगभग तैयार हो चुके हैं, अब भैया इसको निकालने जा रहे हैं। और इसके बाद की प्रोसेस बड़ी गजब होती है, इसको पूरे छनते हैं, हाथ तक नहीं यूज़ होता उनका, पूरा इसी पे टोपरे पे घुमा घुमा के पूरा छान देंगे आलू को, एकदम ब्लैक से पूरा वाइट कर देंगे, गोल्डन कर देते हैं कायदे से बताऊँगा। पूरा आलू साफ़ होके वैसा हो जाएगा जैसे वो रखा हो। ये आ गए भाई आलू, अब इनको भैया करेंगे साफ पूरा टोकरे पे घुमा घुमा कर। ये देखो आप, धीरे धीरे आलू छलना चालू, नीचे से देखो कचरा बाहर। चमकने लग गया धीरे धीरे, ये आलू चमकने वाला है, चमक रहा है थोड़ा। बिना एक भी हाथ लगाए इतना कचरा निकला आलू में से, और पूरे आलू साफ। हाँ
हो गए भैया, पूरे चकाचक हो गए हैं। ये रखा और इसमें भी नीचे यहाँ पे आँच है हल्की, ताकि इससे पूरे टाइम वो गर्म रहेंगे। अब इसकी प्लेटिंग करवा लेते हैं, देखते हैं किसके चटनी और मसाले के साथ भैया सर्व करते हैं, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। और कितने रुपए के देते हैं भैया, क्या प्राइस है इसका? 25 का 250 ग्राम। 25 का 250 ग्राम, तो एक बार लगवा दीजिए 25 का 250 ग्राम भैया हमारे लिए। ये भाई बाउल में लगाते हैं भैया, ये आ गए 250 ग्राम आलू। अब इसको देंगे चटनी, ये क्या काहे की चटनी रखी है? लहसुन की चटनी है, लहसुन की चटनी के साथ धनिया लहसुन, धनिया लहसुन है, टमाटर है, अदरक है, और आएगा इसमें भैया का मसाला। और इसके बाद बटर की टिक्की ऑप्शनल है, आप चाहें तो लें, ना चाहें तो ना लें, भैया के पास है अलग से 10 रुपये लगते हैं बटर की टिक्की के लिए।